गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जैसी करांगे बेटा लेसन टू बंटवारा। ठीक है, लेसन नंबर टू बंटवारा। ये विच की है, एक कहानी है तीन भरावां दी, मनदीप, संदीप अते हरदीप। वो तीन भरा वाही करदे सन। तिन्ना कोल 12-13 किले जमीन सी, चंगा गुजारा हुंदा सी। ता उन्हां दे पिता जी जिहड़े सी ओ बहुत बजुर्ग सी अते मरन लग्या। उन्होंने अपने पुत्रां नूं कहा, पुत्रो तफाक नाल रहो, तफाक विच बहुत ताकत हुंदी है। तिन्ना भरावां ने बापू की कही गल नूं पल्ले बन लिया। मनदीप जिहड़ा सी ओ सब तों वड्डा सी, ओ अपने दोनों भरावां दा बहुत ध्यान रखदा सी। असे दूसरे जिहड़े छोटे भरा सी, ओ अपने वड्डे भरा दा हर कहना खिड़े मत्थे मंनदे सन अते अपने भरा दी बहुत इज्जत करदे सन। ओ तिन्नों भरा अपनी माँ दे आले दुआले रेंदे सन। उन्हां दी माँ जिहड़ी सी ओ बहुत चंगी सी। ते जिहड़ा सब तों वड्डा ब्रदर सी मनदीप, ओ हुण विआह जोगा हो गया सी ते बहुत साक मत साक मतलब रिश्ते आ रहे सन। ओ खुद कोरा अनपढ़ सी, पर उन्दे वास्ते सरपंच दी लड़की जो कि 8 पढ़ी सी उहदा रिश्ता आया। तो उन्होंने बड़े मान नाल ये रिश्ता कबूल कर लिया अते ये विआह हो गया। अते ओ जिहड़ी राणी सी उसने उस घर नूं बड़ा ही वधिया हैंडल किया, स्वर्ग बना दिता। राणी अपने पिता जी कोलों यह गल्लां सुन के भी मेरी बेटी बहुत चंगी है, मेरी बेटी घर नूं स्वर्ग बना देगी, बहुत खुश हुंदी सी। अते उसने उस घर नूं बड़े प्यार नाल संभाल के रख्या होया सी। अपनी सस की बहुत इज्जत करती सी, अपने छोटे देवरां नूं बहुत प्यार करती सी, अते ओह भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करते सन। राणी ने एक दिन हसदे हसद्या मनदीप सिंह नूं गल की कि सरदार जी, अपना संदीप जिहड़ा वह विआह दे काबिल हो गया, जे कहो तो तुसीं मैं अपनी छोटी भैन का रिश्ता ले आवां। यह सुन के वह बहुत खुश होए अते उन्होंने सरपंच की छोटी कुड़ी राणी तो छोटी कुड़ी छोटी भैन रेशम का विआह जिहड़ा सी उह संदीप नाल कर दिता। संदीप भी रेशम भी बहुत सियाणी सी, वह अपने पति नाल बहुत मिलजुल के रहिंदी सी अते घर दे विच दोनों भैणां दराणी जठाणी नालों वध भैणां दे रिश्तियां नूं मानदियां सन ते अपनी सस दी दोवें मिल के खूब सेवा करदियां सन। एक दिन हुण दोनों भरावां ने सोचा कि हुण हरदीप भी जवान हो चुका है ते इस दा भी विआह कर देना चाहीदा है। आखिर हरदीप दा विआह हो गया। दोनों भरावां ने हरदीप दे विआह विच कोई भी कसर ना छड्डी, खूब खर्चा किया अते खूब अच्छा विआह जिहड़ा सी उन्होंने किया। समा बीतण लग्या। जिहड़ी हरदीप दी वाइफ सी कमल, वह पढ़ी लिखी होण करके घर विच भिजदी नहीं सी, वी दोनों दराणियां जठाणियां नूं अनपढ़ गुआर समझदी सी। ते दोनों भैणां उस दे इस वतीरे तों बहुत दुखी सन। उन्होंने तो मतलब कमल नूं पूरा प्यार करदियां सी कि इह किसी तरह साडे घर विच एडजस्ट हो जावे। एक दिन तिन्ने भरा दराणियां जठाणियां सारे बैठे सी, सस भी कोल बैठी सी। मनदीप सिंह ने वड्डे भरा दा फर्ज निभाउंदिआं आया हरदीप नूं कहा, हरदीप हुण तूं थोड़ा बहुता खेत विच जाया कर ते खेत दा कम करिआ कर। ठीक है बाई, हरदीप ने क्या ठीक है। हरदीप सिंह नूं बाई हरदीप सिंह ने तो अपने वड्डे बाई की गल नूं गंभीरता नाल लिया, परंतु कमल जिहड़ी हरदीप की वाइफ सी उहनूं अग लग गई। उहनूं इह सी कि मेरे घर वाले नूं कोई एवें कम क्यों कहे। उसने रात नूं हरदीप नूं कहा कि बाई तुहानूं इस तरह खेत जाण वास्ते कहिंदा मैनूं बिल्कुल चंगा नहीं लगता। तो उन्हें कहा कि कोई गल नहीं, बाई वड्डा है, वह साडे सारे परिवार का वड्डा मैंबर है तो सारे घर का ध्यान रखता है, इस करके मैनू कोई दुख नहीं है। पर उसने उन्हें होर इनिया गल्लां कहियां कि अखीर च उहदा मन भी भारिया आया अते उसने भी सवेरे उठ के अपने बाई नूं कहा कि असी तां हुण इकट्ठे नहीं रहना, असी तुहाडे नाल नहीं रहना, सानू साडी पहली अलग कर दिओ। हरदीप सी जिहड़ा उह बहुत गुस्से विच सी अते उसने कहा, मैं तुहाडे नाल बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं करना, कमल ने तुहाडियां जनानियां की गुलामी नहीं करनी, इसलिए मेरा मैनू हिस्सा दे दिओ। भरावां दे वार वार समझाउण ते भी जदों उहनूं गल ना समझ आई तां फिर उहनां ने पंचायत सद्धी अते सद के उस जिहड़ी पहली दे सी तीजा हिस्सा जिहड़ा 4 खेत सी उहनूं दे दित्ते। हुण हरदीप दा घर भी वक्खरा हो गया क्योंकि उहनां नूं कमरा वक्खरा मिल गया, उह वक्खरे रहण लग गए। अते हरदीप जिहड़ा सी सवेरे उठ के खेती करन जांदा, कमल घर विच इकल्ली बैठी रहिंदी। ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
मैं कमल दे पिछे लग के अपने भरावां तो वक्खरा हो गया, ये मैनू गल नहीं करनी चाहिए सी। पर कमल जड़ी सी वह कोई भी गल समझन नू तैयार नहीं सी। एक दिन हरदीप रात नू बहुत नशे विच पर काफ़ी ज़्यादा नशा करके घर आ गया। उस रात कमलदीप उस दी आपस में बहुत तू तू मैं हुई। हरदीप ने गुस्से विच कमल दे गंडासा कड मारिया। कमल एकदम लहू लुहान हो गई, उसकी बड़ी डूंगी सट वजी। मनदीप ते संदीप दोवें दौड़े दौड़े आए अते उन्होंने कमल नू हस्पताल पहुँचाया। कमल बच तां गई परंतु हुण उह किसे दे नाल अख नहीं मिला सकती सी। वह अपनी गलती ते पछता रही सी। उसनू उसकी जिहड़ी सारा हंकार सी ईरखा सी वह खत्म हो चुकी सी। उसने वड्डे भरावां अते देवां जठाणियां अगे हाथ जोड़ के कहा कि मैनू माफ़ कर दिओ, मैं इस घर का बंटवारा कराउण लई जिम्मेवार हाँ। मनदीप ने कहा कमल जे सवेर का भुलिया शाम नू घर आवे जाए तो उसनू भुलिया नहीं कहा जाता, चल आप अपने घर चलीए। कमल खुश हो गई, हरदीप भी कंध न लगा अपनी गलती ते पछता रहा सी। मनदीप ते संदीप ने उसनू ही गल नाल ला लिया। हुण उन्हां दा जिहड़ा परिवार सी फिर इकट्ठे खुशी खुशी रहन लगे। ठीक है बेटा, ये तो इस दी लैसन दी स्टोरी सी। हुण मैं तुहानू पिक सेंड करांगी इहदा बुकवर्क और क्वेश्चन आंसर। बुकवर्क तुसीं बुक दे उपर फिल करना है एंड क्वेश्चन आंसर तुसीं नोटबुक दे उपर अज दी डेट और डेट डाल के नोट करना है। अज ये लैसन कंप्लीट है, बुकवर्क भी एंड क्वेश्चन आंसर भी। ओके बेटा, थैंक यू।